यूथ ट्री एंटरटेनमेंट चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कड़ी, जो कि राजस्थान की स्पेशल सौगात है। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने आधा किलो जो है दही लिया है, एक कप बेसन है, आधी प्याज लिए बारीक बारीक उसको काटा है, एक टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन कुटा हुआ अच्छे तरीके से, इस तरह से देखें कूट लिया मैंने बारीक बारीक, 1 टेबल स्पून नमक, हल्दी ली है मैंने 1/2 टीस्पून और लाल मिर्चें पिसी ली हैं मैंने 1.5 टेबल स्पून। थोड़ी मिर्चें अच्छी लगती हैं कड़ी में, चटपटी सी मज़ेदार सी कड़ी लगती है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेसन को हल्का सा सेक लूँगी, बगैर किसी ऑयल के, किसी भी चीज़ के, किसी भी आप कढ़ाई में या पैन में आप बेसन को हल्का सा सेकना है। इसको मैंने छान लिया था। सेकने से क्या होगा, आपके जो कड़ी है उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी बेसन की। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हल्का सा अपने दरमियानी आंच पे चूल्हा जला के हमने सेक लेना है इसको। मैंने ये बेसन को सिर्फ 2-3 मिनट के लिए सेका है। अब मैंने इसमें बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी ये दही और डालूंगी 1 कप पानी और इनको पहले आपस में मैं इस तरह से मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह, ताकि कोई गुठलियां ना रहें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको। ये देखें, बस ध्यान रहे कि गुठलियां नहीं होनी चाहिए, वो फिर बुरी लगेंगी आपकी गुठलियां। जब आप चूल्हे पे चढ़ाएंगे पकेंगी तो वो गुठलियां बनी रहेंगी, इस टाइम पे आपकी बिल्कुल गुठलियां नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब कोई गुठली नहीं है इसमें, बहुत स्मूथ सा बन गया। अब मैं इसको पतीले में ट्रांसफ़र करूँगी और फिर चढ़ा दूँगी चूल्हे पे। मैंने जो मिक्स की थी चीज़ें वो पतीले में डाल के चूल्हा नीचे जला दिया और 4 गिलास इसमें मैं पानी डालूंगी, ये देखें, और सारे जो मसाले हैं हमारे हम वो डालेंगे। ये लहसुन कुटा हुआ, आधी प्याज थी हमारे पास बारीक कटी हुई, नमक और ये लाल मिर्चें पिसी हुई और ये हल्दी, ये सब चीज़ें चली गई हमारी। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे कम से कम 45 मिनट्स या 1 घंटे के लिए। देखिए कड़ी में उबाल आ गया है। अब हम चूल्हा आहिस्ता करके इसको रखेंगे कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा। उससे पहले आपने इसको कवर नहीं लगाना, अभी स्टेज पे आपने कवर लगाना है इसको, लेकिन फिर भी आधा आपने ढक्कन इसका जो है खुला रखना है, वरना कड़ी जो है वो उबलती है और ऊपर आती है। अब हमने कड़ी चढ़ा दी एक साइड पे, दूसरी साइड पे हम पकोड़ों का मेज़ा बना लेंगे। मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं बारीक बारीक काट ली हैं, 1 छोटी प्याज ली है वो भी लंबी लंबी बारीक काट ली है। अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे, नमक डालने लगे हैं 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्ची पिसी हुई 2 टीस्पून डालेंगे, अब इसमें जाएगा साबुत सूखा धनिया 1 टीस्पून और बिल्कुल 1/4 टीस्पून इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम इन सब चीज़ों को पानी डाल के मिक्स करेंगे, पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा डाला करें और मिक्स करते जाया करें।
एकदम से डाल देंगे तो अमेजा पतला भी हो सकता है, कोई चीज़ कम हो जाए उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखें थोड़ा सा और डलेगा, मैंने एक कप पानी डाल दिया इसमें कम से कम, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा और मैं पानी डालूंगी इसमें और फिर ये पकोड़े बनाने के लिए तैयार है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम पकोड़े फ्राई करने लगे हैं। पकोड़े आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने आपको कढ़ी में डालने हैं उतने आप डालें और बाकी जो है वो आप साथ खाने के लिए कर रखें। मैंने भी 2 कप बेसन इसीलिए लिया है कि मेरे जाएंगे थोड़े पकोड़े कढ़ी में और बाकी जो है हम साथ खाने के लिए रखेंगे। पकोड़ों का आप जितना साइज आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, मैं बहुत बड़े नहीं बनाती, इतना साइज आप देखें। ये मैं डाल रही हूँ, जितना चम्मच से लेके आप एक एक डालते जाएं और बनाते जाएं। यहाँ से मैं अब आपको दिखाती हूँ बाद में। ये हमारे पकोड़े बनके रेडी हो गए, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें सारे कितने अच्छे से कलर आ गया इनका, ये हमने सारे पकोड़े निकाल लिए, ये आ गए सारे पकोड़े हमारे। और इसी तरह ही गरम गरम हम पकोड़े जितने रिक्वायरमेंट है हमारी कढ़ी में डालने की हम उतने पकोड़े उसमें गरम गरम ही डाल देंगे। ये देखिए कढ़ी हमारी रेडी है, ना पतली ना गाढ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब इसमें हमने क्या करना है, मैंने 2-3 हरी मिर्चें इस तरह से बारीक थोड़ी मुनासिब साइज़ कर लिया था, बहुत बारीक भी नहीं काटी, वो डाल देना है। इसमें ये पकोड़े डाल देंगे हम गरम गरम ही, ये डाले हमने इसमें, इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ी दरमियानी आंच में ही इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो है ये पकोड़ों में अच्छे से कड़ी जो है वो जज्ब हो जाए। 1 चम्मच हम यहाँ पे सिरका भी ऐड करेंगे, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, मुझे बहुत पसंद है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ से हम मिक्स कर लेंगे इसको, इससे थोड़ी खट्टी खट्टी सी और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है कढ़ी का। और ये हम पिसा गरम मसाला भी 1 टीस्पून हमने इसमें डालना है, मिक्स करना है। अब हम कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं। आधी मैंने प्याज ली है, 4-5 लाल मोटी मिर्चें और 2-3 लहसुन के जवे मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। इसे इनको अब थोड़ा रेड करेंगे, ये तड़के का कलर देखें इस तरह से कलर कितना अच्छा सा कलर हो गया है। इस टाइम पे हम यहाँ पे डालेंगे जीरा, ये हमने डाला जीरा और ये हमारा हो गया तड़का तैयार। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको कढ़ी पे लगाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लास्ट शक्ल। ये देखें जी हमारी कढ़ी की फाइनल लुक, और साथ मैंने खाने के लिए सादे पकोड़े बनाए हैं। और आप इसको बनाएं, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ और मज़े से खाएं, इसके साथ रोटी खाएं, चावल खाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।